आज हम रिव्यू करेंगे मुंजिया फिल्म। तो क्या खास है इस फिल्म में, आपको इस फिल्म को अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। तो पहले तो फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मुंजिया एक्चुअली एक आत्मा है और उसे अपनी एक इच्छा पूरी करनी है, शादी करने की। अब ये मुंजिया एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, क्यों इसे शादी ही करनी है, वो शादी के लिए इतना उतावला क्यों है, और बाकी सब लोग मुंजिया के चक्कर में कैसे पड़ गए, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा आदित्य सर की, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इनकी लास्ट फिल्म देखी थी मैंने जोम्बी वाली, जो एक मराठी जोम्बी फिल्म थी जो कि बढ़िया थी। उसके बाद इन्हीं की डायरेक्शन में बनी मुंजिया फिल्म के हॉरर में जिस तरह से कॉमेडी का तड़का लगाया है वो सिर्फ मुझे फर्स्ट हाफ में ही अच्छा लगा। सेकंड हाफ में मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा था। वैसे मुंजिया का करेक्टर जिस तरह से इंट्रोड्यूस होता है, आई थिंक उसकी प्रेजेंटेशन और भी अच्छी की जा सकती थी। आई मीन वो एकदम से आ जाता है कभी भी, थोड़ा और बिल्डअप और सस्पेंस होना चाहिए था उस करेक्टर को सामने लाने में, जिससे और भी हॉरर ऐड हो सकता था। कॉमेडी वाइज तो फिल्म अपना काम कर जाती है। एंड हाँ, फिल्म में मराठी वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आई होप कि जिन्हें मराठी नहीं आती उनके लिए सबटाइटल्स अवेलेबल हो। क्लाइमेक्स अच्छा था एंड थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल था, बट एंडिंग बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं थी। और इस फिल्म के एंड में एक गाना आता है जिसको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म के एंड में एक छोटा सा क्रेडिट सीन है जो इसे स्त्री यूनिवर्स का एक पार्ट बना देता है, तो उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। गाने तो नहीं बट BGM अच्छा है, लोकेशन अच्छी थी एंड एक्टिंग वाइज सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, खास तौर पर जो लीड एक्टर हैं। बाकी फिल्म फैमिली फ्रेंडली तो है ही, तो सबके साथ देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ओवरऑल देखते हुए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7/10। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज़ देखते रहने के लिए।